नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। ईद उल फितर, सरहलू व रामनवमी त्योहार को लेकर अनगढ़ा थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक। रांची जिला के अनगढ़ा थाना परिसर में सोमवार को सिल्ली डीएसपी रणवीर सिंह की अध्यक्षता में ईद उल फितर, सरहुल व रामनवमी त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कहा, आपसी भाईचारे के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में तीनों त्योहार को मनाने का संकल्प लिया। वहीं सिल्ली डीएसपी रणवीर सिंह ने कहा कि त्योहार को आपसी भाईचारे एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं तथा किसी भी प्रकार से क्षेत्र में शांति भंग ना हो। यदि किसी भी तरह से कुछ अप्रिय घटना का संकेत मिलता है तो तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचना दें। इस संदर्भ में पुलिस प्रशासन हमेशा मुस्तैद है। इस पर पुलिस प्रशासन के द्वारा पैनी नजर रखी जाएगी। सोना न्यूज के लिए अनगढ़ा से बबलू मुस्ताक की रिपोर्ट। सरहुल और रामनवमी के लेकर शांति समिति की बैठक हुई। सरकार और प्रशासन की ओर से क्या गाइडलाइन है? आज अनगढ़ा थाना में रामनवमी लेकर शांति समिति की बैठक की गई थी, जिसमें सभी लोगों के द्वारा बताया गया कि वो बस की भांति शांतिपूर्ण तरह से ईद सरहुल रामनवमी को मनाया जाएगा। सभी लोगों के द्वारा आश्वस्त किया गया है और हम लोगों तरफ से भी बता दिया गया है, मोटर कोड ऑफ कंडक्ट का अनुपालन करते हुए अच्छी तरह से सारे त्यौहार को मनाना है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सर? इसको जनता से अपील करना चाहेंगे कि सभी कोई भाईचारे के साथ में सौहार्दपूर्ण से सभी त्यौहार को मनाएं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सोना न्यूज़ टीवी।